हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन सीन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रिड से आपको कैसे ड्रॉ करना है। हालांकि ग्रिड के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ़ हूँ और ग्रिड को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत से बिगिनर्स हैं जिनको ग्रिड से ड्रॉ करना है, ठीक है, और वो चाहते हैं कुछ कमीशन वगैरह करना, उनको समझ नहीं आ रहा ग्रिड से कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने इसमें काफ़ी सारे टेक्निक्स बताई हैं कि ग्रिड से आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, साइड बाई साइड रख के। काफ़ी आसान तरीका बताया मैंने आपको, सो बहुत ईजी हो जाएगा इस तरीके से आपको कुछ भी ड्रॉ करना। डिमांड आ रही थी इस वीडियो के लिए कि ग्रिड से बताओ सर कैसे बनाते हैं। हालांकि देखो, ग्रिड एक नशे की तरह काम करती है। अगर आपको इस तरीके ग्रिड से बनाना आ गया तो फिर आपको ग्रिड की लत लग जाती है और आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को एज अ नॉलेज देखो, ठीक है, और कुछ कमीशन वर्क करना हो तो उसके लिए ग्रिड को यूज़ करो, अदरवाइज़ ग्रिड को अवॉइड ही करो और ज़्यादा फोकस करो अपनी फ्री हैंड वर्क पर कि फ्री हैंड किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। उसके लिए मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हैं जो फ्री हैंड ड्रॉ करने को सपोर्ट कर रही हैं कि फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना ताकि ग्रिड की लत ना लगे आपको, आप उसको यूज़ करना सीख पाओ, ठीक है। तो जैसे वैसे ही ग्रिड को भी आपको यूज़ करना आना चाहिए कमीशन वर्क वगैरह में, लेकिन उसकी लत लगवा लेना ये चीज़ गलत है, ठीक है। सो इन्जॉय करो इस वीडियो को, ठीक है। ये है और ये पेपर है, दोनों का साइज़ सेम है, पेपर का A4 A4। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, सेम साइज़ का इजी रहता है बनाने के लिए, फोन में से बनाओगे तो डिफ़िकल्टी आएगी उसमें। तो ग्रिड का सीखने का फर्स्ट पार्ट ये है कि प्रिंट पेपर यूज़ करो ताकि और आसानी हो, साइज़ बराबर बराबर रहे दोनों। अब इसमें एक एक इंच का तुमने जैसे गैप लिया था, जैसे 1 इंच का लिया तुमने, वो 3 एक इंच तो ये है ना, ये एक कौन से सा ना, 1 से 2 0 to 2 है, मैंने 0 to 2 लिया है, एक 0 to 2 2 to 4 4। ये वाला 1 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6। एक एक इंच बोला था तुम्हें लेने के लिए, जब भी तो इतना छोटा छोटा आया है, इतना लेना चाहिए, बहुत छोटा ले। जैसे तुमने ये अब ज़्यादा छोटा ले लिया वाला साइज़ यहाँ से आता, वैसे ही 1 1 इंच रिकमेंडेड होता है, 1 1 इंच लेना चाहिए ताकि ज़्यादा छोटा भी ना हो यार, ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर के लिए छोड़ दो, इतना इतना, यहाँ पे। अब इसमें नंबर डाल दो, 1 यहाँ से डाल दो, 1 2 3 4 5 6। पर अभी ये बनाना है, पहले देख लो, मैं तो तरीका बता रहा हूँ बनाने, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। 14 और ये 15, अब यहाँ से 11 बता आता है तो 10 10 ले लो, ठीक है, यहाँ से 14 है। बस अभी जो तुमने लाइन लगाई थी ना, यही लेंगे, इसकी मार्किंग कर लो पहले तो, ये दो दो जो तुमने लगाए थे। सेम वही ग्रिड यहाँ बनानी है, ठीक है, और ऊपर जीवित ये यहाँ से टच होना चाहिए, ध्यान रखें। एक किंच तो लेके चलना है तुम्हें, ठीक है, से अब इसमें लाइन्स खींचने हैं। लाइन खींचने के लिए एकदम सीधा रखो उसको,
पेपर को, पेपर टेढ़ा मेढ़ा होगा, सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे फिर यही सीधे में करना है। लो खींचो ही सारे लेंस। ठीक है, जो नंबर डाले थे ना इस पे भी वही सेम नंबर डाल दो। एक दो तीन चार। ठीक है, 15 नीचे तक आ रहा है यहाँ पे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 और 11। ठीक है, अब नंबर डाल दिया ना तुमने, अब नंबर से क्या होगा मैं पता रहेगा। ऊपर भी डाल दो चाहो तो, एक तीन छ सात आठ नौ 10, 10 तक डाल दिए। ठीक हो, एक दो तीन चार सात आठ नौ 10। ठीक है, नंबर डाल दिए। अब तुम्हें पता है कौन सा बॉक्स में कहाँ बनाना है, कि अब ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके। कौन सी चीज़ कौन से बॉक्स में बनानी है, इसकी जो शुरुआत है जो इसकी टिप है ना ये वाली, वो कौन से बॉक्स में बनी है। एक दो छठा बॉक्स और पांचवा बॉक्स के तीसरे और ये वाला तीसरा, तो तीसरा ये ना। ठीक है, छठा और पांचवा और इसका भी हाफ हो रहा है, तो ये इसकी खोपड़ी यहाँ जा रही है। आइस कहाँ पे बनेगी इसकी, आइस सीधे इसके नीचे वाले बॉक्स में है। चौथे की मी छठा हाँ, वो साफ दिखा ना, वो नीचे वाले बॉक्स में ये रही, और ये भी इसके हाफ में हाफ से जा रही। पांचवी नहीं बन रही हो, ये बन रही इसकी आइंस। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार 13 पाँच, पाँचवा बन रही है। आइज इस तरीके से करना है इसको। अब इसमें ये एक एक कैंडल, अब हम इसमें ब्लॉकिंग यूज़ कर सकते हैं एक एक एंगल को सही से मेजर करने के लिए। अब ये वाला जो एंगल है इसका चार नंबर का, ये रहा, ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे ये डिज़ाइन ऐसे हैं आज उधर ऐसे, तो इसका ऐसे ये थोड़ा सा यहाँ पे निकल रहा है, इस कोने के साथ थोड़ा सा और निकला हुआ बनेगा ये। ऐसे इस तरीके से पूरी ड्राइंग बना सकते हो इजीली। ऐसे अब इसकी चोंच का देखो टिप 10 में है, 10 ये रहा, यहाँ पे हल्का सा छूट रहा ना ये वाला छोटा सा गैप, इसके हाफ में से होके जा रही है कम से कम, हाफ ये रहा, हाफ करेंगे ऐसे और ये ऐसे लाइन खींचेंगे हल्का सा, यहाँ पे मोड़ रही है चोंच नीचे की तरफ थोड़ा। ये बीच में से जा रही है ये लाइन। अभी देखो
कहाँ जा रही है, ये किस बॉक्स में जाके ख़त्म हो रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है। सेवन सेवन की यहाँ से हो रही थी। ऐसे सेवन बॉक्स बड़ी है छोटी, उसको ऐसे मिले तुम ना, उसका हाफ देख कितना है, हाफ करो इस तो बॉक्स का हाफ करो, देखो एकदम ठीक बनी, उसके आजू बाजू में थोड़ी लाइस भी हैं, तो ये वो नहीं मतलब अच्छी है, वो जब शेड होगा ना तब लगेगी पूरा प्रॉपर बड़ी है छोटी। ग्रिड मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो स्पीड को बहुत स्लो कर देता है, टाइम नहीं, जिनको ड्राइंग नहीं आती उनके लिए तो सही है, मेरे लिए सही है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, हमें एक एक बॉक्स में क्या बनाना है, कितनी मेजरमेंट लेनी है, अब यही एक बॉक्स है, इस बॉक्स के हिसाब से तुम 36 मेजरमेंट ले सकते हो, कौन सी चीज़ कितनी क्लोज है, इस बॉक्स को ही तो फोकस देना है ना, इसका हाफ करोगे तो ये आइज मिल रही हैं, इसमें कोई भी प्रोपोर्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको हाफ करा तो ये जगह मिलेंगी, किधर कितना बनाना है, आइज़ के लिए बस इतनी जगह छोड़नी है फिर ये आइज़ बन जाएंगी। ग्रिड का ये बेनिफिट है, इसलिए ग्रिड से ड्राइंग लोग बना लेते हैं जिनको ड्राइंग अच्छे से नहीं आती, क्योंकि पहला स्टेप है ये, सब पहला स्टेप है जिसे बिना किसी स्किल के तुम ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी स्किल के ड्राइंग कर सकते हो, ग्रिड वो चीज़ है, एक्यूरेट बना सकते हो उससे, इसलिए कमीशन वर्क में किसी की पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ एक्यूरेट बनाना है, तो इसलिए हम वहाँ पे ग्रिड का यूज़ करते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा काम करना दीवार पे वॉल पे, वहाँ ग्रिड यूज़ हो जाती है। अब बच्चे इस पे डिपेंड हो जाते हैं, इसी को अपना सहारा बना लेते हैं, लेकिन वो उसका यूज़ तो कर रहे हैं, अब तुम्हें ड्राइंग तो अच्छी हो रही है पर तुम्हें ड्राइंग आ नहीं रही, अभी बिगिनिंग में तो ठीक है, जिनको सिर्फ सम एक तरह से बनाना आना चाहिए, एक छोटे छोटे बॉक्सेस की हेल्प हो रही है, कुछ तो करवा रहे हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है, चलो कमीशन वर्क करोगे तो काम आएंगे ग्रिड, या अगर वॉल पे भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी काम आए, बड़ा काम कर रहे हो उसमें काम आए, ठीक है। पर जिन लोगों के पास स्किल होती है, इनको आता है बनाना, उनको ग्रिड इससे बुरी लग रही है, क्योंकि अब जैसे मैं बना रहा हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, देखना पड़ रहा है, अगर मैं वेस्टरियन बनाता तो एक गोला बना के खींच खाच के ख़त्म कर देता ना, लेकिन अब मुझे एक एक चीज़ में देखनी पड़ रही है, यहाँ पे मेजरमेंट है, अच्छा इधर है, इधर है, इधर है, एक नंबर गिनने पड़ रहे हैं। अब जो लोग ग्रेड करते रहते हैं ना, जो रोज़ाना ग्रेड होती है वो चीज़ में, तो वो तेज़ होते होंगे, अच्छा ये नंबर आँखों से नाप लेते होंगे, क्योंकि वो ग्रेड कर करके रोज़ तेज़ हो गए हैं, और जो फ्री हैंड कर रहा है, फ्री हैंड कर रहा है रोज़, उसके लिए ग्रेड उसको दिक्कत करेगी, उसको स्लो करेगी ग्रेड कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, लेकिन एक्यूरेसी दे रही है, एंगल्स एंगल्स जज नहीं करने पड़ रहे, ये एंगल है पता लग रहा है कि ये एंगल है, यहाँ पे ना गैप छोड़ना है। और कई लोगों को ये भी समझ में आता जो बिगनिंग में होते हैं, ग्रिड से भी नहीं बना पाते क्योंकि वो इतना छोटा सा एंगल भी मेजर नहीं कर पा रहे, अच्छा ये एंगल है इतना गैप छोड़ना है, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ लाइन बना देंगे, जबकि लाइन यहाँ बनानी है, वो इतने छोटे से बॉक्स में भी नहीं बना पा रहे, तो उनकी पावर बहुत कमज़ोर है, तो जो इतना बना पा रहा है उसकी पावर उससे थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे इसको ग्रिड से बनाओ, इसकी ड्राइंग बनाओ अच्छे से, बॉक्स गिन गिन के, एक एक बॉक्स में एंगल देख सीख के,